गुड मॉर्निंग। आप जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा। मुझ पर नाराज मत होना। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी। आप लोग मुझसे प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे हमेशा से खुद से ही समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस करता रहा हूँ। मैं एक दानव बन गया हूँ और मैं अति क्रूर हो चला। मैं तो हमेशा लेखक बनना चाहता था, विज्ञान का लेखक, कार्ल सेगन की तरह, और अंततः मैं सिर्फ यह पत्र लिख पा रहा हूँ। मैंने विज्ञान, तारों और प्रकृति से प्रेम किया। फिर मैंने लोगों को चाहा, यह जाने बगैर कि लोग जाने कब से प्रकृति से दूर हो चुके। हमारी अनुभूतियां नकली हो गई हैं। हमारे प्रेम में बनावट है, हमारे विश्वासों में दुराग्रह है। इस घड़ी में मैं आहत नहीं हूँ, दुखी भी नहीं, बस अपने आप से बेखबर हूँ। एक इंसान की कीमत उसकी पहचान, एक वोट, एक संख्या, एक वस्तु तक सिमट कर रह गई है। कोई भी क्षेत्र हो, अध्ययन में, राजनीति में, मरने में, जीने में, कभी भी एक व्यक्ति को उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं आंका गया। इस तरह का खत मैं पहली दफा लिख रहा हूँ। आखिरी खत लिखने का यह मेरा पहला अनुभव है। अगर ये कदम सार्थक न हो पाए तो मुझे माफ कीजिएगा। हो सकता है इस दुनिया, प्यार, दर्द, जिंदगी और मौत को समझ पाने में मैं गलत था। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता था। एक जिंदगी शुरू करने की हड़बड़ी में था। इसी क्षण में कुछ लोगों के लिए जिंदगी अभिशाप है। मेरा जन्म मेरे लिए एक घातक हादसा है। अपने बचपन के अकेलेपन से मैं कभी उभर नहीं सका। अतीत का एक शूद्र बच्चा। इस वक्त मैं आहत नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, मैं बस खाली हो गया हूँ, अपने लिए भी बेपरवाह। ये दुखद है और इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। लोग मुझे कायर कह सकते हैं और जब मैं चला जाऊँगा तो स्वार्थी या मूर्ख भी समझ सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या कहा जा रहा है। मैं मौत के बाद की कहानियाँ, भूतों या आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। अगर किसी बात पर मैं विश्वास करता हूँ तो वह यह है कि अब सितारों तक का सफ़र कर सकता हूँ और दूसरी दुनिया के बारे में जान सकता हूँ। जो भी इस खत को पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे 7 महीनों की फेलोशिप मिलनी बाकी है, जो 1,75,000 रुपये है। कृपया यह कोशिश करें कि वह मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे 40,000 रुपये के करीब रामजी को देना है। उसने कभी इन पैसों को मुझसे नहीं मांगा, मगर कृपा करके ये पैसे उसे दे दिए जाएं। मेरी अंतिम यात्रा को शांतिपूर्ण और सहज रहने दें। ऐसा व्यवहार करें कि जैसे मैं आया और चला गया। मेरे लिए आंसू ना बहाएं। यह समझ लें कि जिंदा रहने के बजाय मैं मरने में खुश हूँ। परछाइयों से सितारों तक, उमा अन्ना, मुझे माफ कीजिएगा कि ऐसे करने के लिए मैं आपके कमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ASA परिवार के लिए माफ करना, मैं आप सबको निराश कर रहा हूँ। आपने मुझे बेहद प्यार किया। मैं उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आखिरी बार के लिए जय भीम। मैं औपचारिकताएं पूरी करना भूल गया। मेरी खुदकुशी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने ऐसा करने के लिए मुझे उकसाया नहीं, ना तो अपने शब्दों से और ना ही अपने काम से। यह मेरा फैसला है और मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। कृपया मेरे जाने के बाद इसके लिए मेरे मित्रों और शत्रुओं को परेशान न किया जाए।